वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आपके जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको सर्दियों के मौसम में और ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि बच्चों को ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे बच्चों को कोल्ड, कफ, बुखार, सर्दी जुखाम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसमें हमें गर्मियों से तो थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ठंडियों का मौसम बच्चों के लिए बहुत ही अनसेफ होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अगर छोटे बच्चे आपके घर पर हैं उनको आप ठंड से कैसे बचा सकते हैं और उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाइए। लेयर्स में कपड़े का मतलब है कि आप पहले सॉफ्ट इनर पहनाइए, उसके बाद आप फुल आस्तीन का टी शर्ट पहनाइए, फिर आप हाफ स्वेटर पहनाइए, फिर फुल स्वेटर पहनाइए। अगर आप बच्चे को बाहर लेकर के जा रहे हैं तो उसको टोपी, ग्लव्स, सॉक्स और एक जैकेट जरूर डालें। उससे क्या होगा, अगर बच्चे को एयर्स का कॉन्टेक्ट होगा बाहर जाके ठंडी, तो उसको ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम बच्चों को लेयर्स बाई लेयर कपड़े कैसे पहनाएं, तो मैं आपको इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि बच्चों को लेयर्स में कपड़े कैसे पहनाए जाते हैं, तो आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में लास्ट में लिंक दे दूंगी कि बच्चों को लेयर्स में कपड़े कैसे पहनाए जा सकते हैं, तो आप वो वाली वीडियो उससे देख सकते हैं। सेकंड है कि आप रूम में रूम हीटर का या कोयले का यूज कर सकते हैं। रूम हीटर आपको कैसे यूज करना है, आप रूम में उसको 1 से 2 घंटे चलाइए। जब आपका रूम थोड़ा गर्म हो जाए तो हीटर बंद कर दीजिए, कंटिन्यू हीटर मत चलाइए रूम में। अगर कंटिन्यू हीटर आप रूम में चलाएंगे तो इससे क्या होगी, बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सेकेंड है, आप कोयले का यूज करते हैं, तो कोयला क्या करता है कि गैस होती है कोयले से, आप थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए भी जरूर जगह छोड़ें, जिससे आप भी सेफ रहेंगे और बच्चे भी सेफ रहेंगे। थर्ड है कि बच्चों की आप हमेशा ठंडियों के मौसम में गुनगुने तेल से मालिश करें। गुनगुने तेल यानी आप सरसों का तेल, जैतून का तेल और बादाम का तेल यूज कर सकते हो। देखो, अगर आप सरसों का तेल यूज करते हो तो उसमें आप 2-4 कलियां लहसुन की और थोड़ी अजवाइन डाल करके उससे मालिश करिए। उससे क्या होगा, बच्चे को क्या होगी, वॉर्म पैदा होगी, वॉर्मनेस पैदा होती, गर्माहट पैदा होती है, तो उससे भी बच्चों को ठंड लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और अगर आप मालिश कर रहे हैं तो आप रूम का पूरा सब चीज, खिड़की, दरवाजे सारे बंद करके मालिश करिए। अगर आप मालिश बच्चे की कर रहे हैं तो आप पहले ऊपर की मालिश कर लीजिए, ऊपर के कपड़े उतारिए, फिर आप नीचे के कपड़े उतार के मालिश करिए। बच्चे को पूरा नंगा करके मालिश मत करिए ठंडियों के टाइम पे। आप चाहें तो रूम में कोयले या हीटर जला करके भी मालिश कर सकते हैं, इससे भी बच्चों को ठंड लगने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, तो माँ को ठंडी चीज खाने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं, तो उससे भी बच्चों को दूध के जरिए या दूध के माध्यम से ठंड लगने के चांसेस बच्चों में रहते हैं। तो आप क्या करिए, आप ठंडी चीजों का प्रयोग ना करें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप बच्चों को ठंडी चीजें खाने को मत दीजिए, इससे भी बच्चों को ठंड लगने से बचाया जा सकता है। बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर दें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए। ब्रेस्ट फीड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं। देखो, मिनरल्स होता है उसमें, पोषक तत्व, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बच्चों को ये सारी चीजें बच्चों के दूध से पेट में जाएगी तो बच्चे की इम्यूनिटी जो होगी वो स्ट्रांग होगी और बच्चा आपका बीमार नहीं होगा। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए, हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड जरूर दीजिए। नेक्स्ट है च्यवनप्राश। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप क्या करिए,
आप अपने खान पान में च्यवनप्राश का यूज जरूर करें। उसमें क्या होता है, एक तो आंवला होता है, आंवला क्या करता है, हमें विटामिन सी देता है। देखो अगर बच्चा दूध पिएगा तो उससे क्या होगा, बच्चे को विटामिन सी पूरी तरीके से मिलेगा। आप अपने खान पान में च्यवनप्राश का सेवन जरूर करें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप भी उसको भी च्यवनप्राश दे सकते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश जो होता है आयुर्वेदिक होता है, इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर बच्चा आपका 6 महीने से थोड़ा बड़ा है तो आप उसको च्यवनप्राश चटा सकते हो। इससे बच्चों की इम्यूनिटी जो होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। च्यवनप्राश जो होता है वो 36 गुणों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसमें 36 प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं। तो आप भी और बच्चे भी ठंडियों के मौसम में च्यवनप्राश का सेवन जरूर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।